व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब लोग? आप देख रहे हैं आपका अपना पीवीएस रिकॉर्ड। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ कासाबेल गाड़ी लेने के लिए। 3 नंबर और 4 नंबर नहीं लग रहा है, मेजर फॉल्ट है उसमें तो, और इसमें सर्विसिंग भी करना है। क्या क्या मैं चेंज करता हूँ मैं सब आपको बताऊँगा, और वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है कि अपने हिसाब से कुछ कुछ डालते रहूँगा। जैसे मान लीजिए कि क्लच प्लेट, मतलब पूरा रिलेटिव हर गाड़ी का हर रिलेटेड में हर चीज़ में डाल के मतलब पूरा एकदम एक्सप्लेन कर बताऊँगा कैसे क्या होता है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए कभी फंसते हैं तो आप भी मतलब कि कर लोगे वो चीज़ भी, ऐसा मैं आपको सिस्टम बताऊँगा। सो गाइस, देख सकते हैं मैं अभी बगीचा पहुँचने वाला हूँ, अंबिकापुर में मेरा गैरेज है नया बस स्टैंड के पास में, नया बस स्टैंड के प्रयाग ऑटोमोटर्स करके नाम है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं कासाबेल, कासाबेल जाके गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेने के बाद फिर अपने दुकान जाएंगे, फिर दुकान जाने के बाद फिर उसको बनाएंगे, बनाने के बाद पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा देखने में, और मेरा चैनल देख रहे हैं तो देखते रहिए, स्किप मत करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आगे। सो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी अपन बगीचा से कासाबेल की ओर जा रहे हैं। ये रोड देख सकते हैं, इतनी गंदी रोड है, इतना गंदा रोड है, मतलब ये विकास नहीं हो रहा है यहाँ इस गाँव में, विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए बड़ा बड़ा गड्ढा दिख रहा है, पूरा रोड खराब है, इसमें आदमी गाड़ी चलाए तो चलाए कैसे। चलो हम लोग तो यहाँ, हम लोग का बार बार आना जाना नहीं है, कैसे भाई? हाँ, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन लोगों को कितना दिक्कत हो रहा है ये देखिए, ये ट्रक चल चल के रोड का पूरा माँ बहन कर दिया है। देखिए देखिए दोस्तों, ये मतलब क्या क्या, ये जो भी है यहाँ के जो भी नेता है उनको आँख में नहीं दिख रहा है उनको क्या, हाँ कि रोड वोड बनना चाहिए, करना चाहिए, वोट मांगने के लिए तो आ जाएंगे हाथ उठा के, हाँ वोट दे दो मेरे को दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर देंगे, कुछ कुछ नहीं करेंगे, खाली अपना जेब भरेंगे। तो गाइस चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने गाड़ी लेने के लिए, अब क्या ही कर सकते हैं कि अपना इंडिया है, चलिए दिखाते हैं आगे। तो गाइस अभी हम लोग भीग गए हैं, देख सकते हैं बहुत गंदा स्थिति हो गया है, रास्ते में आ रहे थे तो पानी वानी गिर गया है, बाद बाकी कपड़ा हटा, ये देखिए ये भी लंगटा हो गया है, अभी पीछे दिखाते हैं आपको, पानी गिर रहा है, पानी रुकेगा तो फिर जाएंगे आगे, चलते हैं दिखाते हैं, पूरा भीग गए हैं, पूरा भीग गया है अपना, कपड़ा वपड़ा चेंज कर रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। सब सभी लोग, आज जो है दूसरा दिन। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताया था कि मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए कासाबेल, जो जो गाड़ी में काम किया था तो सबका क्या है, सामान वामान सब खोल दिया हूँ मैं, इतना बारिश गिर रहा है अपने इधर बाहर में, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, काम रुका हुआ है तो जैसे रुकता है उसके बाद, बाकी मैं अपना गाड़ी वाड़ी सब खोल दिया हूँ, जो जो दिखा नहीं पाया उसके लिए सॉरी, बट जो जो खोला हूँ मैं वो सब चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? चलिए मैं वो सब आपको दिखाता हूँ, बाद बाकी मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक सेकेंड गाइस, अपन देख सकते हैं पानी कितना गिर रहा है, ये सब अपन चेंज किया है, देखिए बस आप रिपेयरिंग करते हैं। ये गियर बॉक्स है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका ये 1 नंबर 2 नंबर बैक गियर ये सब कुछ लग ही नहीं रहा है। सो गाइस अंदर में ही बात करते हैं क्या है, बाहर आवाज़ आवाज आ नहीं रहा है इसका। सो गाइस मेरा वीडियो देखिए आप लोग, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, ठीक है? बाद बाकी अच्छा अच्छा वीडियो मैं लाते रहूँगा, पानी गिर गया उसके चक्कर में थोड़ा सा मतलब वीडियो शॉर्ट हो गया, मैं बोला था कि थोड़ा बड़ा वीडियो होगा करके,
चलिए कोई बात नहीं, अपने पास तो गाड़ी खैर आते रहेगी, अभी नया नया स्टार्टिंग है तो थोड़ी कम आ रही है, जैसे जैसे जब जो जो गाड़ी आती है मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। सो गाइस चलिए अब जब फिट करेंगे तो उस टाइम शायद पानी रुक जाए तो मैं वीडियो को थोड़ा आगे ले चलूँगा, ठीक है। फिर भी मतलब देखते हैं, पानी रुकने दीजिए फिर मैं आगे दिखाता हूँ।